नमस्कार, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और नए साल की हार्दिक बधाई आपको। अंग्रेजी नया साल इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नया साल नहीं है, क्योंकि ये नया साल हम पर थोपा गया है। हमारा नया साल आता है वसंत ऋतु की जो शुरुआत होती है तब, अप्रैल के टाइम पर, जब हमारा मजाक उड़ाया जाता है अप्रैल फूल के नाम से। और इस पर कई कहानियाँ, कई क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप न्यू ईयर आज अब न्यू ईयर बनाने लगो अप्रैल में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने दोस्तों के साथ, तो आपका मजाक उड़ाएंगे वो। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, उन लोग ध्यान में रखना कि अंग्रेज़ या विदेशी जो अपना नया साल बनाते हैं, जो कि आज है, उस नए साल को वो रात को 12 बजे बनाते हैं। ठीक, भरी सर्दियाँ हैं, पूरी दुनिया ठंड में है, ठीक, बर्फ हर जगह, रातें बहुत लंबी हैं, अंधेरी हैं, सब अपने बिस्तरों में घुसे हुए हैं, सो रहे हैं और ठंड में कुड़ रहे हैं। प्रकृति में कुछ भी नयापन नहीं है, हर जगह बस लगता है कि जैसे शटर डाउन है। पेड़ों के पत्ते झड़ चुके हैं ठंड की वजह से, पशु पक्षी ज़्यादातर आराम करते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े सब बिलों के अंदर हैं। क्यों आराम कर रहे हैं? क्योंकि ये वक्त जीवन के लिए सपोर्टिव नहीं है, तो इसलिए लोग अपना जीव जंतु अपने आप को बचाव में रखते हैं। लेकिन बात करें हमारे भारतीय नए साल की, जो हम बनाते हैं अप्रैल में, ठीक, विक्रम संवत के हिसाब से जो हमारा कैलेंडर, जब उसमें हम बनाते हैं तो बिल्कुल बसंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, और आप देखो कि हरियाली हरियाली चारों तरफ होती है, नयापन होता है, हरियाली, हर पत्ता हरा होता है, खुशियाँ होती हैं, हमारी स्किन भी चेंज होती है। और जब हम नहाते हैं तो मैल के साथ हमारी स्किन भी चेंज होती है, पत्ते चेंज होते हैं, फसलें लहला रही होती हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है, बाहर होते हैं हर कोई, तो आप देख सकते हो कि आप विजिबल देख सकते हो कि नयापन है। क्यों? उस टाइम मार्च के बाद सर्दियाँ जा चुकी होती हैं और बसंत ऋतु और गर्मियों का आगमन होता है, तो वो एक नयापन है। अभी क्या नयापन है? तो इसलिए स्मार्ट बनिए। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल दूर जाइए इन सब चीज़ों से, विश कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बस हाँ, दारू नहीं पीनी, नशा पत्ता ये सब नहीं करना, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारा नया साल भी है जो कि आज नहीं है, और जब हो आपको वो भी विश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से अगले साल, नहीं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।